जिसने गाड़ी में दीन से मुस्ताफा किया, नबी फरमाते हैं बोला कि उसने मुझसे मुस्ताफा कर लिया। फरमाए के नाम का चेहरा देखना मुस्तफा का चेहरा देखना है। तो आज की महफिल बाबू अनवार सल्लल्लाहु ने इस महफिल पाक का इनेकाद किया, अपने साहबजादे के शादी खाना आबादी के हासिल मौके पर। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसे बात को पूरी फरमाए। आमीन आमीन। आइए बिना दाखी बिना तमहीद सबसे पहले अपने सारी कायनात के मरकजी अकीदत जब हुजूर गंजुल आता कशफुल देता सरकार साबित करिया आखिर उदा का अजहरी फरमाते हैं कि जहां वाणी अता कर दे वाणी जन्नत सेवा कर दे। जहां वाणी अता कर दे वाणी जन्नत सेवा कर दे। और नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। और सरकार उसकी आजम ही निशान फरमाते हैं कि हबीबी या रसूलल्लाह या फरमाती है मदीने की हबीबी या रसूलल्लाह मसना वसूलो तो वो कि तुम निकाह करो जो तुम्हें मयस्सर हो जो तुम्हें भली लगे जो तुम्हें अच्छी लगे दो दो तीन तीन चार चार से इन किस्तों को अगर तुम्हें डर हो आदर नहीं कर पाओगे बराबरी नहीं कर पाओगे इंसाफ नहीं कर पाओगे तो तुम्हें ऐसे निकाल दो। मेरे मिलत के नौजवानों मुफस्सिरीन किराम से आप पूछे पहले जमाने में लोग क्या करते थे। आप बीवियां लेकर मेरे नबी की बारगाह में आते एक आदमी है जिसका नाम ज़र्रा बिन ज़फ़ीर गिलमान है। बारगाह नबी में आज ही हुआ है आप बीवियां बोले के पहुंचा है। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारी नियत बीवी जायज़ नहीं है चार से ज्यादा जायज़ नहीं है। मेरे क्या अनुमति के लिए जारी
बीवी के लिए ज्यादा शादी है और औरतों के लिए शादी शादी जायज है। तो मेरे दोस्तों शरीफ में है बनते हो तुम निकाह करो, तो निकाह मेरे दोस्तों आप हम ही करें या आप ही करें, हम भैया ने भी निकाह की है, निकाह वाला ने भी की है, निकाह ने भी की है, निकाह से भाई ने भी की है, निकाह से आने भी की है, निकाह पूरा ने भी की है, निकाह बात ने भी की है, निकाह बात ने भी की है, बात ने भी की है, लेकिन सत्य बताओ अलग अलग है। जरूरत नहीं है आज की गुजार लेते हैं, मेहर अदा नहीं कर पाते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन प्यारे मेहर क्या है? अगर बाप मर गया है तो बेटा भी मेहर दे सकता है, अपनी माँ को बाप के वश में मत देना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है आप जमीन की रश नहीं कर सकते हैं, उसे वश में वो भी मेहर है। मैं मिले तेरा जवानों किसका नाम है, निकाय के नाम का नाम है, निकाह नाम है, निजामो जरूर था प्रभाव से पूछो से नाम है और निकाय शादी है उन माओ को पूछो उनके कहने का आलम क्या होगा। और आप फरमाते हैं अल जन्नत व बेहदा अफामिल उम्मान, जन्नत माओ के कदमे के नीचे है। तो माँ से पूछो जो माँ की ममता जन्मला उठती है, दिल के पैमाने टूट जाते हैं और भोपड़ा के कचरे जारी हो जाते हैं। मौसमों बहारों पर जाके सब सराते हुए हवा के झोंके माँ कभी उत्तर देखती है, माँ कभी पूरब देख रही है, माँ कभी पश्चिम देखती है, हर जानी देख रही है। मेरे बेटे अपनी बीवी की याद में नहीं
याद में कहीं भूल न जाना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुझे पहले में दिया जाए इमामुल अइमा है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। बात चल गई तो मैं बयान कर देना चाहता हूँ, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा सुन्नी हिंद के बहुत बड़े इमाम है। हजरत इमाम आजम इमाम बाकर की बारगाह में जाते हैं, इमाम बाकर बहुत ही जलाल में है। इमाम बाकर फरमाते हैं कि कयास की बुनियाद पर तुमने मेरे नाना के नाना के हदीस के भी बदल दिए हो। जो तुम मेरे निकाह किसको
शहवत को खत्म कर देती है। और दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं नबी हुरैरा का खाला खाला रसूलुल्लाह जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में है तो मैदान हश्र में भी है। हदीसों में आया है सिनदैन सबीना हुरुम में ना बहत्तर हुरे मिलेगी वहां नेक बीवी भी मिलेगी। ये नहीं जवानों का हुक्म नहीं है, जो नेक है जो उनकी खिदमत गुजार है वो बीवी यहाँ भी साथ में है और मैदान हश्र में भी है। यहाँ का फरमाते हैं अब दुनिया कुल रहा होगा तकरीर की जमीन वो सयाब अल्लाह मनी तबाय फूटा।